इंदौर जिले के पास बजरंगपुरा गांव में 95 साल के बुजुर्ग नानू राम का शव शमशान को तरसता रह गया और लाचार सिस्टम के बीच हताश ग्रामीण मजबूरी में गिरते पानी के बीच बरसाती के नीचे शव का दाह संस्कार करते दिखाई दिए। 3 बार स्वच्छता में नंबर 1 बन चुका इंदौर जिले का काला सच सबके सामने आया। बुजुर्ग की मौत, उसके बीच लगातार तेज बारिश होने से मृत नानू राम को 48 घंटे तक घर में रखना पड़ा, लेकिन बारिश बंद नहीं होने और गांव में शमशान नहीं होने के कारण परेशान ग्रामीणों ने मजबूरी में गिरते पानी में बरसाती के नीचे शव का दाह संस्कार किया। आज़ादी के 73 साल बाद भी गांव में ग्रामीण परेशानी का सामना कर रहे हैं। ग्रामीण लाचार सिस्टम के आगे सिर्फ आश्वासन के बीच दम तोड़ने को मजबूर हैं। गांव में दलितों और पीड़ितों के लिए शमशान घाट की कोई व्यवस्था नहीं है। 2 साल पहले ग्राम पंचायत में शमशान घाट के लिए सरकार द्वारा 3 लाख रुपये आवंटित हुए थे। ग्रामीणों ने आंदोलन किया, उसके बाद अधिकारियों ने शमशान घाट बनाने का आश्वासन दिया, लेकिन हालात में कोई सुधार होते नहीं दिखाई दिए। खैर, इंदौर जिले का काला सच और उसकी शर्मनाक हकीकत का पूरा सच आपके सामने है। लगभग 100 से अधिक परिवार दलित लोग वहां पर निवास करते हैं और शायद यही कारण है कि वहां पर शमशान आज़ादी के 73 वर्ष बाद भी नहीं बन पाया है, जबकि 2 वर्ष पहले जो है ग्राम पंचायत पिगडम्बर को कलेक्टर ने सहायता निधि के रूप में शमशान भूमि के लिए, शमशान घाट के लिए 3 लाख रुपये आवंटित किए थे। 1 वर्ष पूर्व अखिल भारतीय भलाई महासंघ के नेतृत्व में सभी ग्रामीणों ने आंदोलन किया था तथा SDM साहब को ज्ञापन भी दिया था। उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि 15 दिन के भीतर जो है आपका शमशान बना दिया जाएगा, किंतु आज उस बात को भी बीते, उस वादे को बीते आज 1 वर्ष से भी अधिक समय हो गया, किंतु आज तक शमशान का निर्माण नहीं हुआ। और परिस्थितियाँ ऐसी है कि नानू राम जी के शव को आज हमें टायरों से जलाना पड़ा, घासलेट से जलाना पड़ा। ऐसी स्थिति में आज अंतिम संस्कार किया गया जहां पर घी और कपूर भी फीका सा महसूस हुआ, आज वो व्यर्थ से प्रतीत होने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स, इंदौर।